हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांश आईटी क्लास। गीतांश आईटी क्लास में सभी का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉग प्रोफाइल या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म में कि सर पहले कौन सा होता है, या पहले रजिस्ट्रेशन करें या लॉग प्रोफाइल करें, या लॉग प्रोफाइल करें या रजिस्ट्रेशन करें, या फिर हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें। तो इस तरीके के हमें काफ़ी मैसेज आ रहे थे, हमें लगा कि कुछ स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। छोटे से 3 स्टेप हैं, उनको हम बारी बारी कैसे कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन। पहले हम जो हमारा 500 रुपीज़ का होता है रजिस्ट्रेशन, तो हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हम अपने फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं उसमें, जो हमारी प्रोफाइल बन जाती है उसको हम लॉक कर देते हैं, उसके बाद में कुछ भी एडिट नहीं होता है। थर्ड वन है एग्जामिनेशन फॉर्म। उस फॉर्म को हम फिल करते हैं, जैसे हम ओ लेवल कर रहे हैं तो हम चारों सब्जेक्ट के देना चाहते हैं, तो चारों सब्जेक्ट को हम उसमें फिल करेंगे और उसमें अपनी लैंग्वेज की हिंदी है या इंग्लिश है वो आप उसमें मेंशन करोगे, और जो उसकी एग्जामिनेशन की फ़ीस है वो आप उसके बाद में सबमिट करोगे फील एग्जामिनेशन के बाद में। अब इसके बारे में मैं बता दूँ, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2021। ठीक है, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक कर दोगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप होगा, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट 7 मई 2021 है। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, वो बात अलग है कि नाइलेट अपनी अगर डेट बढ़ाता है तो यहाँ पर डेट बढ़ जाएगी, बट अभी तक जो लास्ट डेट आई है 7 मई आई है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद में हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब जो एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं उनको हम फिलअप करेंगे, जिसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई है 7 मई 2021 है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी नई अपडेट या नई वीडियो आती है तो उसका आपको पता लग सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।